बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, ये कुरंगी नंबर 6 नूरुल हरम मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि पहले के दौर में मसाजिद जो है वो कच्ची होती थी और नमाजी जो है वो पक्के हुआ करते, लेकिन आज के दौर में देखें माशाल्लाह खूबसूरत मसाजिद तो तामीर की जा रही है, लेकिन जो है नमाजियों की तादाद में कमी वाकई होती चली जा रही है। हम मुसलमानों ही की ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व ताला के घर को आबाद करें, तो हम नमाज़ें अदा करें, अल्लाह करीम की इबादत करें, मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत करें। तो ये कुरंगी नंबर 6 की मस्जिद जो है नूरुल हरम आपको दिखा रहे हैं, इसका गुंबद का अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह पाक की बंदगी करें। अल्लाह करीम ने हमारे दुनिया में आने का जो मकसद बयान किया है वो यही है। अल्लाह पाक फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन व इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी जाँच हो कि तुम में किसका अमल बेहतर है। तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह पाक की बंदगी करें, अल्लाह पाक की इबादत करें। तो मुझ पर भी ये लाजिम है, आप सब पर भी देखने वालों पर लाजिम है कि अल्लाह पाक की बंदगी करें, अल्लाह पाक की इबादत करें। मशहूर जुमला है, मैं अक्सर अपने बयानात में बयान करता हूँ कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। इसी तरह याद रखें कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। हदीस पाक में आता है जो शख्स एक नमाज भी कसदन यानी जानबूझकर कज़ा कर देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिले जहन्नम होगा। तो लिहाजा जब दाखिले यानी जिस दरवाज़े से वो दाखिले जहन्नम होगा उस पर वो नाम लिख दिया जाता है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, अगर किसी का नाम किसी ख़राब जगह पर लिख दिया जाए तो यकीनन उसे बुरा लगेगा। तो अफसोस का मकाम है, हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम अल्लाह पाक के बंदे हैं, अल्लाह पाक ने हम पर नमाज़ फ़र्ज़ की, अपनी इबादत अल्लाह ताला की इबादत करना, इताअत व फरमा बरदारी करना ये हम पर लाजिम व ज़रूरी है। लेकिन आज हम दूसरे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम गाफिल हैं, जिससे हम दूर हैं, वो अल्लाह पाक की बंदगी है, वो अल्लाह पाक की इबादत है। हम डब्बुओं पर, स्नोकरों पर, इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ गेम्स शो में, बहुत इसी तरह टीवी चैनल्स पर और मोबाइल में अपना वक्त ज़ाया करने में तो हमारे पास टाइम होता है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं तो नमाज़ के लिए टाइम नहीं। बाद लोगों को नमाज़ की दावत दी जाए तो वो कहते हैं यार मैं नापाक हूँ, मैं कल से नमाज़ पढ़ूंगा। याद रखें कब्रिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं जो यही कहते थे कि कल से नमाज़ पढ़ूंगा, मैं जुमे से नमाज़ पढ़ूंगा। तो इससे पहले कि हमारी नमाज़ पढ़ाई जाए तो हम सबको चाहिए कि हम नमाज़ की पाबंदी करें। हम मुसलमानों ही पर ये लाजिम व ज़रूरी है कि हम अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह करीम की इबादत करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।